सो गाइज, आप देख सकते हैं इनकी मस्ती चालू हो चुकी है इन पहाड़ों की वादियों में आके। सो देखो ये मस्ती कैसे कर रहे हैं। सो आप, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप आगे भी देखें और हमारे वीडियो के तक ऐसे ही बने रहें। सर अभी यहाँ पे बैठ जाते हैं क्योंकि थक चुके हैं हम बहुत बुरी तरह। एंड गाइस, इतने ऊपर आने के बाद यहाँ का आप एक बार व्यू देखिए। और यहाँ पे हल्की हल्की बारिश भी पड़ रही है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कट पे राज व्लॉग में आपका स्वागत। तो कैसे हैं सभी लोग? अभी मैं फिलहाल हरिद्वार में हूँ। देखिए आप सीन देख सकते हैं कितना प्यारा है। देखिए पीछे गंगा जी कितनी तेज चल रही है। अभी हम नीलकंठ के लिए निकल रहे हैं भैया और हम लोग। तो चलो यहाँ का वीडियो बनाओ, हमारी ब्लॉग में ना डालो। तो गाइस ये सब लोग हैं यार, ये गलत बात है यार। सो गाइस, अब हम आपको यहाँ की मार्केट घुमाते हैं। सो गाइस, अभी हम मार्केट घूम चुके हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे नदी का बहाव कितना तेज हो रहा है। नदी का बहाव, हम सुबह नहा लिए थे, अब हम निकलते हैं सीधे नीलकंठ के लिए। सो अभी हम सब भाई लोग जा रहे हैं नीलकंठ, तो हम आपको मिलते हैं आगे। तो अभी पड़ रही है बारिश, तो हम आगे जाके थोड़ी रुकते हैं। तो अभी हम फिलहाल यहाँ पे रुके हुए हैं क्योंकि बारिश थोड़ी तेज हो गई थी। तो भैया कह रहे हैं यहाँ पे रुक जाओ, जब थोड़ी हल्की हो जाएगी तब हम निकल जाएंगे। तुम यहाँ पीछे खड़े हो जाओ, पीछे लेकर के। सो गाइस, फिलहाल अभी हम पार्किंग में आ चुके हैं। यहाँ पे सब बाइकें खड़ी हुई हैं, वहाँ पीछे पीछे भैया बाइक निकाल रहे हैं। अब किसी को कोई झंडा की जरूरत हो तो भद्रे झंडा लग रहा है ना, देख लो। फिलहाल अपनी बुलेट निकल चुकी है, अब भैया दूसरी बाइक निकाल रहे हैं। ये अपनी है? हाँ, ये अपनी बुलेट है। अब देखते हैं भैया कैसे निकाल पाते हैं अपनी। अच्छा हाँ भैया, अपनी निकाल लेंगे अपनी बाइक। तो पैदल जा रहे हो तुम? तो पैदल पैदल आओगे? बम बम। तो गाइस अभी हम फिलहाल हरिद्वार से निकल चुके हैं नीलकंठ जाने के लिए। सो अभी निकलते हैं। सो गाइज, अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ का मौसम कितना प्यारा हो रहा है। बादल भी बादल हो रहे हैं और सामने पहाड़ व्यू देखो आप, यहाँ का चारों तरफ का कितना प्यारा लग रहा है। बराबर मेरा जी आ गया पहाड़, और पीछे कांवरिया, साइड में कांवरिया, कितना प्यारा लग रहा है पहाड़ों पे बादल और भी बराबर में नदी। सो गाइज, अभी हम रुके हैं यहाँ पे, भैया का वेट कर रहे हैं। रोहित भैया, मुकेश भैया की बाइक पीछे रहेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ का प्राकृतिक सुंदरता कितनी आकर्षक कर रही है हमको, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे रुका। वाइब्स कितनी अच्छी आ रही, पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। तो अभी फिलहाल भैया आ चुके हैं और हम अब निकलते हैं। सो गाइस, आप देख सकते हैं बराबर में पेड़ और बराबर में नहर चल रही है, और यहाँ पे इतनी ठंडी हवा चल रही है ना कि बस मन कर रहा है कि यहीं बैठे रहो, कहीं मत जाओ, यहीं रुक जाओ। पर क्या करें, नीलकंठ के दर्शन करने तो हमें आगे जाना पड़ेगा। सो गाइस, यहाँ पहाड़ों पर आके कुछ अलग ही बात होती है, कुछ अलग ही मन हो जाता है। बिल्कुल बहुत अच्छा मन हो रहा है इस टाइम, बहुत अच्छी पॉजिटिव ही आती है। देखो पहाड़ों पे कितने प्यारे प्यारे बादल, कितना प्यारा व्यू दिख रहा है सामने, आप देख सकते हैं पहाड़ों पे बादल कितना प्यारा लग रहा होगा। जब हम ये आपको हम कैमरे में दिखा रहे हैं, जब हम देख रहे होंगे तो कितना प्यारा लग रहा होगा, आप खुद ही सोच सकते हो गाइस। तो देख सकते हैं आप कितना प्यारा लग रहा है ये व्यूज।
सो गाइज आप और पास से देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है, बराबर में नहर चल रही है और सामने पहाड़ और इधर हम चल रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि खुद ही सोच सकते हैं कितना प्यारा लग रहा होगा ये। सो गाइज आप देख सकते हैं कि नहर कितनी तेज चल रही है, देखो यहाँ पे ये बादल कितने प्यारा लग रहा है, सामने वो रोड जो जा रही है, पर ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे वो झूला है, पर वो झूला नहीं है, वो रोड है। सो गाइज आप देख सकते हैं हम कि कहाँ पे आ गए हैं, ऐसा लग रहा है यहाँ मिनी लद्दाख मतलब छोटा लद्दाख में आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं भैया की यहाँ पर कार फंस गई है, पानी इतना नहीं जितना आप समझ रहे, पानी ज़्यादा है, पर भैया की कार फंस गई, यहाँ पे गड्ढा अड्ढा हुआ कोई, तो उसमें भैया का टायर फंस चुका है, तो अभी वो भैया लोग निकाल रहे हैं। जब तक हम यहाँ पर रुकते हैं थोड़ी देर, जितनी भी देर रुकते हैं हम देखो यहाँ का व्यूज़ देखूंगा, इस कितना प्यारा लग रहा है, ये पानी चल रहा है यहाँ पर और ये भैया ला रहे हैं बाइक, देखते हैं निकाल पाते हैं, निकाल ली भैया ने बाइक फिलहाल। तो सो अभी यहाँ का आप एक बार व्यू देखिएगा इस कितना प्यारा लग रहा है। तो अभी यहाँ पे हम थोड़ी देर ठहरते हैं फिर हम निकलेंगे। सब भैया लोग खड़े हैं वहाँ पे और मैं इधर आ गया था। सो गाइस फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा, यहाँ वो बिल्कुल ऑफ रोडिंग हो रही है, भैया यहाँ लाएंगे बाइक निकाल के, ये चारों बाइकें खड़ी हैं जो। सो अभी फिलहाल भैया आएंगे, जब तक मैं यहाँ का व्यू दिखा देता हूँ आपको। चलो गाइज भैया अभी नहीं आ रहे, जब तक हम थोड़ा फोटो शूट कर लेते हैं उधर जाके हम। सो गाइज देख सकते हैं इनकी मस्ती, अभी हम आगे दिखाते हैं इनकी मस्ती। देखो गाइज क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भगवान, ये क्या कर रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं, ये कोई पब्लिक प्लेस में क्या कर रहे हैं ये। सो गाइज अभी हम निकलते हैं और हम आपको अब सीधे मिलते हैं सीधा नीलकंठ पे जाके, नीलकंठ की पहाड़ियों में और उनकी वादियों में घुल के मिलते हैं आप। सो गाइज अभी हम नीलकंठ की पहाड़ियों में पहुंच चुके हैं, नीलकंठ की वादियों में पहुंच चुके हैं। सो अभी फ़िलहाल हम चलते हैं नीलकंठ के मंदिर, हमने बाइक के नाम है पार्किंग में खड़ी कर दी, अब हम चलते हैं पैदल, यहाँ से शायद 2 या 1.5 किलोमीटर है पैदल की रास्ता, तो हम पैदल पथ यात्रा करते हैं यहाँ से। तो चलो गाइज चलते हैं। सो गाइज अब हम आपको दिखाते हैं नीलकंठ की मार्केट कैसी, और आप देख सकते हैं कि आगे अम्मा जी जो हैं हमारे से आगे 3-4 वो कितनी तेज तेज चल रही हैं, हमसे भी तेज चल रही हैं, तो आप देख सकते हैं। सो गाइज फाइनली हम पहुंच चुके हैं नीलकंठ, नीलकंठ के धाम, अब हम आप दर्शन, अब हम आपको दर्शन करने के। सो गाइज अभी हम दर्शन करके आ चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे बादल कितने अच्छे हो रहे हैं, यहाँ गेट जो है यहाँ से नीचे आने का रास्ता, तो हम आ चुके हैं, यहाँ बादल देखे कितने प्यारे हो रहे हैं, बारिश नहीं पड़ी है, मौसम भी अच्छा हो रहा है, तो सब भैया आ चुके हैं, बस अभी यशपाल भैया का वेट हो रहा है, जब वो आएंगे तो हम यहाँ से निकलेंगे। मैंने आपको नीचे का सीन इसलिए नहीं दिखाया था क्योंकि भीड़ बहुत थी। सो गाइज अभी बज रहे हैं 2 और हम रुके हुए हैं अभी लंच करने के लिए, सो अभी लंच में हमने मंगाए हैं छोले भटूरे, तो हम सब भाई लोग अभी करते हैं लंच, फिर मैं आपको लंच करने के बाद मिलता हूँ। सो गाइज अभी मेरा खाना हो चुका है और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पहाड़ कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं, ऊपर बादल और नीचे पहाड़ और पहाड़ों पे घर बने हुए, तो कितने प्यारे लग रहे हैं, रात में आप सोच सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं। सो गाइज अभी हमारे दर्शन हो चुके हैं, अब हम जा रहे हैं अपनी बाइकों पर क्योंकि हमें दूसरे पहाड़ पर जाना है, मतलब दूसरे माता के मंदिर जाना है, तो अभी हम चलते हैं अपनी बाइकों पर जहाँ हमने पार्क कर लिया है। छोड़ गए जो मैं वो तुम्हें छोड़ गए, ऊपर चले गए खुद, पैदल पैदल चलो, देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू हो रहा है, और यहाँ पे निखिल और योगेंद्र भैया बाइक का इंतजार कर रहे हैं, तुम क्यों बैठ गए नीचे, सुकून मिल लिया टांगों को हमारे, क्यों तो किसी ने कहा था ऊपर चढ़ के आने को, किन्ने ये कह रहा है चलना है वरना दो नीचे नहीं रुकते, आराम लेट जाते वाले मंदिर पे चलते दो ना वहीं से जाते। सो गाइस अभी कोई आया नहीं है ऊपर से बाइक लेके, सो हम भी जा रहे हैं ऊपर, जो आगे योगेंद्र भैया येलो टी शर्ट नीक पीछे निकलो फिर मैं, तो चलो चलते हैं क्योंकि ऊपर शायद नेटवर्क नहीं आ रहे हों, नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहे हों, ऊपर नेटवर्क नहीं आ रहे हों, ऊपर नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहे हों, तो इसलिए हम ऊपर जा रहे हैं उनको देखने, कभी वो दूसरे रास्ते निकल जाएं हम यहीं खड़े रह जाएं, चलो हम चलते हैं उनको देखने। तुम उनका इंतजार, वो तुम्हारा इंतजार, यहीं खड़े रहते दोनों के दोनों कि वो कब आ रहे हैं ये कब आ रहे हैं, और फिर फोन पे फोन कर रहे होते ये।
सो गाइस हमें भैया मिल चुके हैं, खो गए थे हमसे ये हमसे खो गए थे, वो हमें ये मिल चुके हैं। लड़ कर रहे हो ना तुम, फोन कर रहे हो, हम मामा जी से खड़े हैं। सो गाइस अभी हम फिलहाल यहाँ पे आ चुके हैं भैया के पास, और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अंकल जी की कार फंस चुकी है। अभी ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कार निकल नहीं रही, मतलब ये वो दे रहे हैं तो ये पीछे ही जा रही है कार, अब देखते हैं निकाल पाते हैं या नहीं। सो गाइस फाइनली मतलब इन्होंने नहीं, एक यहीं के ड्राइवर है लोकल के इसी एरिया के, तो उन्होंने आके कार निकाल ली। अब कार निकल जाएगी या नहीं अब देखते हैं, ये कोशिश तो कर रहे हैं, कोशिश इनकी पूरी, अब देखते हैं निकलती है या नहीं कार। सो गाइस फाइनली हल्के हल्के कार निकल रही है। सो गाइस फाइनली पूरी तरीके से कार निकल चुकी है, भैया बैक करके सीधी कर देंगे। तो चलो हम भी अपनी मंजिल की तरफ चलते हैं, हम दूसरे पहाड़ पे पहुंच चुके हैं, जय माता के दर्शन करते हैं। सो चलो चलते हैं गाइस माँ कुबेरी माता मंदिर के, वहाँ बाल कुबेरी माता मंदिर जाने के मार दास। तो चलो चलते हैं, टोटल 365 सीढ़ियाँ हैं शायद, ऐसा भैया बता रहे हैं क्योंकि भैया गए हुए हैं। आइए दिखाते हैं हम आपको माता रानी का मंदिर। अब भैया आपको माता रानी का मंदिर दिखाएंगे। सो चलो अब चलते हैं, ये हम शुरुआत कर रहे हैं यहाँ से, इसमें सुना जाता है कि 365 सीढ़ी हैं। देखो ये सब थक चुके हैं क्योंकि इनके पास सबके पास बैग है और मेरे पास बैग नहीं है, तब भी मेरी इतनी बुरी हालत हो रही है और इनके पास बैग है। सो चलो अब हम भी चलते हैं। सो गाइस छोटू के भैया थक चुके हैं, रोहित भैया। सो गाइस सब थक चुके हैं यहाँ पे, सबकी हालत बहुत बुरी तरीके से खराब हो चुकी है। उतर ऐसे ही आओ तुम एकदम। अरे वो भरे वो है, एक आज कल 10-15 सीढ़ी तो उतरोगे लेट के वापस। चार फोटो तो खींच दे, फोटो खींच दे, हम तुम्हें आवाज मार। सर अभी यहाँ पे बैठ जाते हैं क्योंकि थक चुके हैं हम बहुत बुरी तरह। एंड गाइस इतने ऊपर आने के बाद यहाँ का आप एक बार व्यू देखिए, और यहाँ पे हल्की हल्की बारिश भी पड़ रही है गाइस, और बादल हो रहे हैं पहाड़ों पे। स्लोली, 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 स्लोली। और यहाँ के खेत देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। वहाँ पे वो तीन लोग आ रहे हैं जो कि बहुत बुरी तरह थक चुके हैं, आपको मेरी आवाज से पता चल रहा होगा कि मैं भी थक चुका हूँ। वो घर देखिए पहाड़ के ऊपर, और वो बिल्डिंग बहुत बड़ी है, बहुत ही बड़ी, ये वाला बिल्कुल चोटी पे है वो पहाड़। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम कितनी ऊपर तक आ चुके हैं, वहाँ के व्यू देखिए गाइस, वहाँ बादल हो रहे हैं और पहाड़ बिल्कुल हल्के हल्के चमक रहे हैं, कितना प्यारा मौसम हो रहा है, बिल्कुल हल्की हल्की बारिश पड़ रही है। बस हमारा रास्ता बहुत ही ज़्यादा करीब है, देखो गाइस मंदिर हमारा बस आ ही चुका है, बस इतनी सी सीढ़ियाँ रह गई हैं जितना आपको दिख रही है। तो भाई हम चलते हैं, जय माता की, माँ को मंदिर। यहाँ ये निखिल थक चुका है बिल्कुल पूरी तरह, तो गाइस देख सकते हैं हम वहाँ पे वो वाले पहाड़ पे भी वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। सो गाइस अभी हम मंदिर में यहाँ पर थोड़ी देर आराम कर रहे हैं, आराम करके फिर हम नीचे को नीचे जाएंगे। तो अभी हम थोड़ी देर आराम करते हैं। देखिए यहाँ पे फूल कितने प्यारे हैं, ये मंदिर के पीछे का स्थान है, यहाँ पे भी इन लोगों ने बगीचा बना रखा है, कितना प्यारा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है पहाड़ों के ऊपर ये कितना प्यारा लग रहा है। तो हम आपको अंदर का मंदिर दिखाते हैं। देखिए ये मूर्तियाँ, ये शिव जी की मूर्ति है यहाँ पे, और ये इधर है, और ये किधर मूर्ति थी, और ये बाहर है, बाहर का है, बाहर के साइड है, जब ऊपर से आते हैं जीने की तरफ के तब। अब चलते हैं हम नीचे क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है, ऊपर हम कम से कम एक घंटा रुक गए, तब हम चलते नीचे। तो आप देख सकते हैं सामने पहाड़ और बादल कितने प्यारे लग रहे हैं। तो चलो हम आपको अब सीधे नीचे जाके मिलते हैं। गिनती हुआ है सीढ़ी? नहीं सीढ़ी नहीं गिनी, यहाँ से गिनते हुए चलो, यही पहली सीढ़ी थी। सो गाइस थोड़ा थोड़ा सूरज की रोशनी हमारे लिए आ चुकी है, बोले ना अपने बारिश बंद करके सूरज की रोशनी कर दी है थोड़ी थोड़ी। सो अभी हम थोड़ी सूरज
ज्यादा नहीं हो रही है, धूप गर्मी लग नहीं रही है वैसे, पर अब हम नीचे चलते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ से कार कितनी छोटी लगी, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कितने ऊपर पहाड़ पे हैं। सो यहाँ पे कितना मजा आ रहा है। हम पहुँच चुके हैं नीचे, अब हम आपको सीधे हरिद्वार में जहाँ पे हम पहले रुके थे पहाड़ों, जहाँ नदी चल रही थी अब पहाड़ पे, तो हम सीधा हम आपको वहाँ जाके मिलेंगे। सो गाइस आप देख सकते हैं कि भैया साइकिल से कैसे ला रहे होंगे, आपको धंधा लग सकता है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पानी पानी भरा हुआ है, सड़क बहुत कम है, क्योंकि आप देख सकते हैं आगे। अब देखते हैं भैया ये साइकिल निकाल पाते हैं या नहीं, ये मतलब बीच में भैया को उतरना पड़ेगा, तो हम देखते हैं फिलहाल भैया उतार पाते हैं या नहीं। यहाँ पर भैया की स्लो हो गई साइकिल, यहाँ से तेज लेके गए थे बट आगे आगे भैया की स्लो हो गई। अब देखते हैं भैया उतरते हैं या ऐसी। तो गाइस देख सकते हैं हम भैया ने पूरी साइकिल ऐसी निकाल दी बैठे बैठे, तो चलो। तो गाइस अभी हम फिलहाल हरिद्वार आ चुके हैं, तो आप देख सकते हैं रात में कितना प्यारा लग रहा है हरिद्वार। तो आप चारों तरफ का व्यू एक बार देख लीजिए, कितना प्यारा लग रहा है ये हरिद्वार। उधर लाइटें चल रही हैं, बीच में गंगा जी, इधर गंगा जी, तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। अभी हम फिलहाल यहाँ पे नहाएंगे धोएंगे, थोड़ी देर मार्केट घूमेंगे, फिर हम थोड़ी देर आराम करेंगे, फिर हम घर के लिए निकल जाएंगे। सो गाइस आप देख सकते हैं कि तैराती कैसे नदी में तैर रही हैं, शायद ही माता पता नहीं क्या है जो इन्होंने पकड़ रखा है, पर ये इसका जल का बहाव भी बहुत तेज है। आप देख सकते हैं अभी कितनी ताकत होती है, कहते तैर रहे। सो गाइस अभी हम मार्केट में घूम रहे हैं, यहाँ पे अभी हम नहाए नहीं है, बाद में थोड़ी देर बाद नहाएंगे, फिर हम सोच रहे हैं पहले मार्केट कर लेते हैं उसके बाद नहाएंगे। सो गाइस अभी हम नहा धो लिए और हम अपने बाइकों पे जा रहे हैं क्योंकि अब हम घर के लिए निकल रहे हैं। सो अब मैं ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।